सामने आ रही है गाड़ी, दो गाड़ियां है भाई, तीन गाड़ियां है भाई। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब है मर गया माता। कौन सी टीम थी जो गाड़ी लेकर आई थी भाई? बहुत ही जहर टीम थी भाई, जो भी थी। टीम नंबर एक ने यहाँ पर गाड़ी लेके आई थी भाई, तीन तीन गाड़ियाँ लेके आई थी। अगर एक को मारा नहीं तो भाई उसकी कमेंट कर। When the bar train to a tour bus, still the same game except the pulling more sled. और साथ में उनके एनएच के भी थे और उन्होंने सेंटोसा की तरफ अपना रुख कर लिया। एंड जाते जाते रिवर साइड की तरफ जा रहा था, रिवर साइड शिपयार्ड टू द ग्रेवयार्ड ऑफ द स्टोरी, सारे के सारे एरिया खाली है। यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स होते हैं, बट यहाँ पे एनएम भाई और बीएफए की टीम ने यहाँ पे एक साथ उतरने का ट्राई किया है, एक साथ उतरने का डिसीजन किया। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या हशर होता है, कौन सी टीम यहाँ पे किसे पहले लूट लेती है, कौन यहाँ पे किसे डाउन करता है। पंचेस फाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे गन फाइट नहीं देखने को मिलेगी, गिन फाइट हमें मिलेगी। बीएफए के प्लेयर्स यहाँ पे कार्स इकट्ठी कर ली और यहाँ पे हमारे एनएम भाई एजे अकेले घूम रहे थे बिना गन के और एलिमिनेट कर दिया गया। नॉर्मल बीएफए के भी एक प्लेयर डाउन किया और बिना किसी एफर्ट के यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। एंड एनएम भाई प्लेयर डेट डिसएडवांटेज के साथ आए थे और अभी जीरो प्लेयर के साथ कंटिन्यू करें। क्रिकेट तक बोलने फंस जाएंगे। बीएफए को मिलने वाले पबजी के M18 उनके हाथ में पीछे से ट्राई कर रहे, T05 भी यहाँ पे पूरा ट्राई कर रही है कि उन्हें किल ना दी जाए। F4 यहाँ पे किल लेना चाहती है, एक किल पॉइंट लेके जाएगी शुभम का और शुभम यहाँ पे बैकफायर कर रहे हैं, पूरा सा पूरा प्रेशर डाल रहे हैं कि F4 के प्लेयर किसी तरह से पीछे ना हो। बीएफए को मिल चुकी है हफ्ती की किल, बीएफए आरजी गेमर लुकिंग हैप्पी किल लेके एक और। अभी टीम नंबर 5 से फेस करते हैं कि नहीं, यहाँ पे ओपन में फाइट की जा रही है और जून अभी बना है। परफेक्ट टाइम पे मैंने मैप खोला और परफेक्ट टाइम पे हमें जून दिख गया एंड जून बन चुका। जून बना है हमारा पोशिनो के एरिया के एग्जैक्टली वहाँ पे बन रहा है जहाँ पे टीम बैठी हुई है ऑलरेडी, तो इन्हें मूव इन करने की जरूरत ही नहीं है, तो कैसे डैमेज पड़ सकता है। ओके मॉर्टल को किसी ने डाउन किया, किसने डाउन किया यहाँ पे? आरबीएल के प्लेयर्स, रेबल के प्लेयर्स यहाँ पे बीएफए को टारगेट कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे रेबल ही डाउन हो चुके हैं, रेबल के रेबल आरबीएल रेबल डाउन हो चुके हैं। रेबल को बचाने के लिए यहाँ पे तेजू जल्दी से भाग रहे हैं, टावर को क्लाइम कर पाएंगे बीएफए के प्लेयर्स यहाँ पे टारगेट तेजू को पक्का करेंगे। यहाँ पे टाइम पे अंदर पहुंच गए और यहाँ पे हील गन उनके हाथ में है, बस रिवाइव देना है रेबल को। रेबल को जैसे रिवाइव देंगे हमारे तेजू और तब भी हील करते यहाँ पे शूट कर देंगे और हील कर देंगे, दैट विल बी इंस्टेंट हील फॉर तेजू हियर। नहीं किया क्या, बट बीएफए के प्लेयर्स ऊपर है और ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लेयर को लूज कर चुके हैं। मॉर्टल के ऊपर यहाँ पे बहुत शॉट मारे गए थे और यहाँ पे अपनी टीम जैसे उनके बाहर आ रही है, जहाँ पे फाइट शुरू हो जाएगी। एनएचके के प्लेयर्स भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे रेबल को एलिमिनेट करने की, रेबल को यहाँ पे डबल टीम किया जा रहा है और यहाँ पे हमारे F4 अभी के लिए चल गए जा रहे हैं और बीएफए उनके टारगेट में और कोई टारगेट नहीं कर रहा, तो फेटल F4 की यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होने वाली है क्योंकि उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं है। BFA is in great trouble क्योंकि Rebel उनके ऊपर टारगेट लगा हुई है, Rebel की भी उतने ही बुरे हाल है क्योंकि पीछे से NXK उन्हें बैकस्टेप करने वाली है और ऊपर से यहाँ पे BFA उनके ऊपर टारगेट बना के रखी हुई है। So F4 is looking good here, तो क्या सिचुएशन होती है, शायद F4 लास्ट तक बचेगी, लास्ट तक होपफुली बचेगी। जोन भी उनके पास है और उनके टीम मेट अगर स्प्लिट ना हो एक साथ रहे तो लास्ट तक F4 बचेगी आई थिंक। रेबल विल बी द फर्स्ट टू एलिमिनेट और NXK भी नेक्स्ट होगी उनके साथ ही क्योंकि BFA के सामने आ जाएगी। अभी के लिए रेबल की रोनी की बहुत अच्छी कम है, रोहित की बहुत कम मैच भी है, तेजू की बहुत कम मैच भी है और रेबल के रेबल जिन्हें सबसे पहले एलिमिनेट किया था उन्हें अभी फाइनली भी एलिमिनेट कर दिया गया। बीएफए के पास जाएगी सारी की सारी गर्ल्स, 8 गर्ल्स ले ली है और हमारे NHK वर्सेस BFA चालू का F4 के प्लेयर्स अभी भी चिल कर रहे हैं यहाँ पे, आज की गेम में ट्राई कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में जाने का, बट दूसरी डायरेक्शन में बेटल को टेक दिस विक्ट्री। NHK को टारगेट किया जाएगा, सरोज यहाँ पे नेट बुक कर रहे हैं, नेट F4 की तरफ जाता हुआ और यहाँ पे नेट कुछ भी नहीं करेगा, सरोज नॉकआउट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जोन के बाहर है नारुतो, इज इनसाइड द जोन बट ही हैज बीन एलिमिनेटेड एंड F4 विल टेक दिस टू या फर्स्ट पोजीशन। 18 पॉइंट्स मिल चुके हैं यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। सेकंड पे हमारे
9 ओके 10 यहाँ पे हो गए 15 और 18 सेम पॉइंट जब मैं सेकंड पोजीशन पे और थर्ड की बात करने की जरूरत नहीं है बट एनएचके यहाँ पे थर्ड पर दिया टॉप टू टीम यहाँ पे आ चुकी है सेमीफाइनल में जाने वाली बीएफए आपको दिखेगी F4 भी आपको दिखेगी टॉप पे और इन दोनों टीम्स को हम सेमीज में मिलते हैं एंड आज के लिए Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's